माध्यमिक शिक्षण संस्थान, साथ साथ जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बेसिक विद्यालय होते हैं, इनके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है और उसका निस्तारण ठीक से हो नहीं पाता, कोर्ट्स में केसेस चलते रहते हैं। तो इसलिए ये एक बॉडी बनाई जा रही है जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण, और ये विवादों का शीघ्र निस्तारण कर सकें उस दिशा में ये निर्णय लिया गया है, और ये अध्यादेश के भी माध्यम से लेकर आ रहे हैं। और इसके अंदर प्रावधान होंगे कि अधिकरण के अंदर अध्यक्ष हैं एक उपाध्यक्ष जो नायक नायिका से नायक होंगे, एक उपाध्यक्ष जो प्रशासनिक होंगे, उसके अंदर मिनिमम 3 अन्य नायक और प्रशासनिक सदस्य भी होंगे। नायक क्यों होता है? तीन तीन अलग अलग होंगे, तीन तीन अलग होंगे। और इसके अंदर जो लागत है वो 6.15 करोड़ की है जो आएगा। और इसके अंदर एक और प्रावधान है कि आपने इस अथॉरिटी के पास गए, अपलेट के पास गए, वहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ जो न्याय है वो पूरा नहीं हुआ है, तो 90 दिन के अंदर आप उच्च न्यायालय में भी अपनी अपील कर सकते हैं। तो विद इन 90 डेज जाना पड़ेगा, इसके अंदर ये भी रहेगा। तो ये आज 6 बिंदु थे और आपके बीच में रखा है, कोई अलग से कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछो। इस पे एजुकेशन वाले में तिवारी जी से कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा ये एक्ट है, एक्ट जो है वो अब जाएगा आपके असेंबली में, और असेंबली पास कोई भी एक्ट लागू नहीं हो सकता जब तक कि संवैधानिक पद्धति है वो आपका असेंबली से जब तक कि पास नहीं होता। मगर ये मसौदा तैयार किया गया है ऑर्डिनेंस इसलिए क्योंकि बहुत चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं, उन लोगों को भी क्लियरेंस देना है, तो उसके आधार पर ये एक निर्णय लिया गया। ये तो सिलेक्शन का एक प्रोसेस होगा, नायक तो उसी से आते हैं। जैसा नाम स्पष्ट है, जुडिशियल का मतलब जुडिशियल साइड से होंगे, जो जुडिशियल सेवा में डिस्ट्रिक्ट जज रहे हों, इक्विवेलेंट रहे हों, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे वो आईएएस भी हो सकते हैं, पीसीएस भी हो सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस। इसमें क्वालिफिकेशन जो लेट डाउन है वो दोनों तरह की क्वालिफिकेशन है। इसमें जो मेंबर होने के लिए है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, उसमें आईएएस से या पीसीएस से जो एक पर्टिकुलर स्केल में रहे हैं उस स्केल के ऊपर, उस स्केल में, उस स्केल से ऊपर। तो बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बैठक में जो निर्णय लिए गए, बैठक में जिन बातों पर चर्चा की गई उनके बारे में बताया जा रहा है। अब 18 जुलाई से बुलाया जाएगा विधानसभा सत्र। किस तरह से सत्र को बुलाने के लिए एक फॉर्मेलिटी मीटिंग ज़रूरी थी, उस प्रक्रिया के हिसाब से ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग नई